अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेके प्रेस मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश लतीफ। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कश्मीर में आए दिन इनकाउंटर होते रहता है, तो उसी की रिलेटेड आज हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी नॉर्थ कश्मीर बांडीपुरा में इनकाउंटर चल रहा है, जिसमें से अभी अपडेट आ रही है कि 3 मिलिटेंट्स किल किए गए हैं। उनमें से एक का नाम बाबर अली है, जो कि पंजाब पाकिस्तान से बिलोंग करता है। इंस्पेक्टर विजय कुमार का कहना है कि जो मिलिटेंट्स 24 जुलाई को शोक बाबा फॉरेस्ट में मारे गए थे, ये बाबर अली उसी ग्रुप का एक पार्ट है। तो इसके अलावा जो दो मिलिटेंट्स और इनकाउंटर किए गए हैं इस, तो अभी उनकी डिटेल्स आनी बाकी है। तो बाकी डिटेल्स के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। के साथ बात की जाए कोविड की, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड की थर्ड वेव आ रही है, जो कि कहा जा रहा है इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। तो इसी के साथ बात की जाए अब कोविड केसेस की, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में अभी 118 कोविड केसेस पॉजिटिव निकले हैं, जिनमें से दो की डेथ हो गई है। उनमें से एक जम्मू से बिलोंग करता है, दूसरा कश्मीर से। वो जो दो पेशेंट्स की डेथ हो गई, एक की वहाँ यहाँ पर कश्मीर चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में डेथ हो गई और दूसरा GMC जम्मू हॉस्पिटल। इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से अपील करती है कि वो मास्क पहने रखे, सैनिटाइज़र्स यूज़ करें और ख़ास तौर से SOPs का फॉलो करें। तो दीजिए इजाज़त अपनी मेज़बान महविश लतीफ़ को, JK प्रेस मीडिया।